गुड मॉर्निंग एवरीवन, नीटपीडिया में आपका स्वागत है। नाउ हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले इन्फॉर्मेशन, आप एमसीक्यूज इस टॉपिक का यहां से डाउनलोड करके नीटपीडिया ऐप से सॉल्व कर सकते हैं, एज वेल एज नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए हम लोग फटाफट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपको ऑलरेडी पता है रेस्पिरेशन जो होता है उसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। और इसका रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल केस में 12 से 16 पर मिनट। हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 12 से 16 पर मिनट। दैट मीन्स इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन हर मिनट में करीबन 12 से 16 एवरेज होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। नाउ अब देखें, ये जो कंट्रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल। कैसा कंट्रोल बोलेंगे? न्यूरल कंट्रोल। क्यों न्यूरल कंट्रोल? बिकॉज यहां पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूरल कंट्रोल। नाउ अब देखें, ये एकदम रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, दैट मीन्स रिसेप्टर्स का काम क्या होगा? दे विल रिसीव सिग्नल्स। नाउ ये सिग्नल्स जो है वो जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? इन सिग्नल्स को एनालाइज करेगा, एंड ब्रेन विल सेंड ऑर्डर टू मसल्स। और ये मसल्स क्या करेंगे? कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है भैया, सिग्नल देना है। जितने भी बॉडी में रिफ्लेक्स होते हैं इसी तरह से काम करते हैं। रिसेप्टर्स होता है जो कि रिसीव करता है सिग्नल, सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन से ऑर्डर आता है पर्टिकुलर मसल्स के पास, और वो मसल्स जो होता है अपना फंक्शन कैरी आउट करता है। नाउ अब देखें, ये सिग्नल जो है रिसेप्टर्स है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये रिसेप्टर्स होते कहाँ पे हैं? दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। नाउ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो होगा, इसका लोकेशन होता है लोकेटेड इन द ब्रेन। और एक होता है आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। यह आपका होता है कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक आर्च में। कैरोटिड बॉडी जो होता है कैरोटिड आर्टरी में होता है। यस, कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक आर्च, आर्च ऑफ ऑर्टा, ऑर्टिक आर्च एज वेल एज कैरोटिड बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो होता है आपके ब्रेन में लोकेटेड होता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखें, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट कैसे होते हैं? दैट मीन्स स्टिमुलस क्या है, क्या चीज इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है? नाउ देखें, राइज इन CO2 लेवल और H+ कंसेंट्रेशन स्टिमुलेट रिसेप्टर। जब भी क्या होगा, H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या हमारे बॉडी में CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, उस समय ये सिग्नल क्या करेगा? ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक देगा, और ब्रेन जो होगा वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। ब्रेन क्या करता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। नाउ अब ब्रेन की भी बात करें, ब्रेन में यहाँ पे बहुत सारा मेनली एक्चुअली गैंग्लियंस या न्यूक्लियाई आता है। रेस्पिरेशन से जो कंसर्न होता है वो सिर्फ दो न्यूक्लियाई है, एक होगा आपका मेडुला
ओब्लंगाटा में, मेडुला ओब्लंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो सेंटर होगा, मेडुला ओब्लंगाटा में जो होगा वो दो सेंटर होगा, एक होता है इंस्पिरेटरी और एक होता है एक्सपिरेटरी। आपको ऑलरेडी पता है इंस्पिरेटरी कौन से मसल्स को इन्वॉल्व करेगा, यस, डायफ्राम को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो कैविटी बढ़ेगी, ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। और एक्सपिरेटरी में क्या होगा, बाहर निकलवाएगा। इस तरह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, इस तरह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। नाउ यही ब्रेन में एक और सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये इंस्पिरेशन को रोकता है। नहीं, आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ, मान लीजिए आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंस्पिरेशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। देखें रेस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी सेंटर क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इंस्पिरेशन लो, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, उसको रोकना भी होगा, वो काम करता है कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो इट कंट्रोल्स डेप्थ ऑफ कंट्रोल्स डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। सो यहां पे बहुत सारा एमसीक्यूज आपका बन रहा है, यस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसा कंट्रोल है भैया, ये न्यूरल कंट्रोल है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करेगा, यस, कौन इन्वॉल्व होंगे इसमें, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे भाई, स्टिमुलस रिसीव करेंगे, सिग्नल रिसीव करके कहां, ब्रेन के पास भेजेंगे। नाउ ये रिसेप्टर्स कौन कौन है, दो तरह के हैं, एक है आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल में कौन है, ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड बॉडी। और यही सिग्नल्स फिर आपके पास कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन के पास। नाउ ब्रेन क्या करेगा, ऑर्डर भेजेगा, ऑर्डर किसके पास भेजेगा, यस, रेस्पिरेटरी मसल्स के पास, जो कि कंट्रोल करेंगे क्या आपका, रेट ऑफ रेस्पिरेशंस। नाउ स्टिमुलस कौन है, CO2 एंड H+, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए pH भी दे देता है, दैट मीन्स डिक्रीज इन द pH, डिक्रीज इन द pH इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ कहाँ कहाँ पे सेंटर्स होते हैं, यस, एक मेडुला ओब्लंगाटा में होगा जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं, यस, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी। न्यूमोटैक्सिक जो होता है, P4P याद रखना, इट इज लोकेटेड इन द पोन्स, इट इज लोकेटेड इन द वायर पोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज क्यों बना, रेस्पिरेटरी सेंटर्स लोकेटेड कहाँ होते हैं, न्यूमोटैक्सिक कहाँ लोकेटेड होता है, कौन स्टिमुलस होता है, ठीक है। सो और एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन हैज इनसिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ऑक्सीजन हैज इनसिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए अब देखते हैं NCERT में क्या क्या लिखा है। नाउ इन ब्रेन देयर आर फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स लिखा हुआ है NCERT में, यस, कौन कौन सा, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और न्यूमोटैक्सिक। ये कहां पे होगा, मेडुला ओब्लंगाटा में, ये कहां पे होता है, पोन्स में, एंड दे आर स्टिमुलेटेड बाय द रिसेप्टर्स, ठीक है। नाउ यस, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी को हम लोग रिदम सेंटर भी बोलते हैं क्योंकि वो रिदम को कंट्रोल करता है, यस, कहां पे होगा ये, रिदम सेंटर, दैट मीन्स इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी, यस। मेडुला ओब्लंगाटा, न्यूमोटैक्सिक कहाँ पे होता है, पॉन्स में होता है, ये मेडुला ओब्लंगाटा, P4P याद रखना है आपको, यस, इंक्लूड इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। ये क्या करता है, 12 से 16 के बीच में जो रिदम है उसको कंट्रोल करता है। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर्स, इंपल्स फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ओके। ये देखो आपका इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर है, और ये आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ओके। नाउ रिसेप्टर्स की बात करें, यस, दे आर कीमो रिसेप्टर्स एडजेसेंट टू रिदम सेंटर्स। सेंटर कीमो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, CO2 और H+ जो होता है वो स्टिमुलस होता है। रिसेप्टर्स जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहाँ होंगे, ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। दे ऑल्सो रिकोगनाइज CO2 एंड H+। रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है भैया, इनसिग्निफिकेंट है, इसी पे MCQs आपका बनेगा।
चलिए एमसीक्यू देखिए, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लेड टू द अर्ज इन ब्रीथ। ठीक है, अगर CO2 का लेवल राइज करेगा, राइजिंग CO2, O2 का रोल नहीं होता है, सो राइजिंग CO2, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन कहाँ? मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में। भैया मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में, बाकी तो यहाँ कोई मैंने बात ही नहीं किया। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन आर लोकेटेड इन, यस मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में होता है। चलें नाउ अब हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस के बारे में, डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पे तीन डिजीज आपको पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं अस्थमा का। अस्थमा देखिए बहुत सारे एलर्जी के कारण भी होता है, ठीक है। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, लंग्स का जो म्यूकोजा होता है अगर ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ट्यूब्स हैं इनकी हम बात करें, ब्रोंकाई और ब्रैंकियोज, यहां पर सेल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव। अब इसके वजह से, हाइपर सेंसिटिव की वजह से क्या होता है, जब भी एलर्जन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे म्यूकस स्टिमुलेट हो जाता है एंड दे सिक्रीट्स व्हाट? म्यूकस। जिस म्यूकस के वजह से क्या हो जाता है, दिस पाइपलाइंस आर ब्लॉक्ड। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, व्हीजिंग होगा। ओके, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या हुआ, एलर्जेंस आया, स्टिमुलेट किया सेल्स को, म्यूकस सिक्रीट हुआ, म्यूकस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे प्लग हो गया, प्लग की वजह से क्या हो रहा है, गैसेस चेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। ओके, ये अस्थमा। नाउ वही बात करें अगर इम्फाइसिमा की, अगर आप बात करोगे इम्फाइसिमा में क्या होता है, ड्यू टू सिगरेट्स बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। ये फ्री रेडिकल्स जो होता है अल्वियोलाई का जो वॉल है उसको डैमेज कर देगा। नाउ अल्वियोलाई का वॉल जब डैमेज होगा, डैमेज अल्वियोलर वॉल, डैमेज हो गया, दैट मींस डिक्रीज सरफेस एरिया, कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, में प्रॉब्लम होगी। ओके, नाउ लास्ट में एक और डिजीज, ये कहां पे होगा, यस ऑलरेडी स्मोकर्स में होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात करें, दैट मीन्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कहाँ पे, ऑक्यूपेशन से कहाँ पे होगा, यस बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में जाके, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। That means सेल्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, WBC ये सब आएंगे, स्टिमुलेट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट्स फाइबर, जिसकी वजह से लंग्स की एक्सपेंशन कैपेसिटी घट जाती है, एल्वियोलर वॉल डैमेज होता है। ठीक है, दैट मीन्स कॉजेज फाइब्रोसिस, और जिसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लाइक न्यूमोकोनियोसिस, कोल वर्कर में होता है, एस्बिटोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिका में जहाँ पे काम करते हैं, ग्लास फैक्ट्री में उनको होता है। सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, भैया आप यहाँ क्या करिए, यहाँ पे आप मास्क का उपयोग करिए, मास्क का व्यवहार करिए। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज क्या बनेगा,
इंडस्ट्रियल वर्कर्स में होता है, किसके वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल्स के वजह से होता है। क्यों होता है, ड्यू टू फाइबर्स डिपोजिशन, ड्यू फाइब्रोसिस ऑफ द लंग, क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर क्या होता है, बहुत सारा निमोकोनियोसिस है, सॉल्यूशन क्या होगा भैया, आप मास्क लगाइए। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। अस्थमा के बारे में लिखा हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इम्फाइजिमा में देखिए क्या होगा, डैमेज द अल्वियुलर वॉल एंड इट डिक्रीजेस व्हाट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। चले किसके वजह से होता है, स्मोकर्स में होता है, सिगरेट। इंडस्ट्रीज में क्या होगा, डस्ट होगा, जिसके वजह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लंग में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा, अल्वियुलर डैमेज होंगे, और क्या होगा, यस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और इसका प्रोटेक्टिव क्या है, यस यूज द मास्क, फेस मास्क आप यूज करिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यस सिलिकोसिस, सिलिका फैक्ट्री में होगा सिलिकोसिस, 2018 में क्वेश्चन आया है। इम्फाइजिमा जी टू सिगरेट होता है, बोटुलिज्म इन्फेक्शन की वजह से, एंथ्रासिस इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग बाय स्मोकिंग, यस इम्फाइजिमा, जिसमें क्या होता है, अल्वियुलर वॉल डैमेज, अल्वियुलर वॉल डैमेज, 2016 में आया है। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड बाय, यस इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग, यस एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्क सेल्स, यस इट ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इन द मास्क सेल्स, जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, यस म्यूकस डिपोजिशन, जो कि प्लग कर देता है और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच अल्वियुलर सर्फेस एरिया आर इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द अल्वियुलर वॉल्स। एक ही है, कौन सा, इम्फाइजिमा, किसकी वजह से, सिगरेट स्मोकिंग, 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रेस्पिरेशन इन द ह्यूमंस, क्या है, सिगरेट स्मोकिंग डैमेज करता है अल्वियुलाई को। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोन्स रीजन इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं घटाता है ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को। वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन इंडस्ट्रीज मे कॉज लंग फिब्रोसिस, यस अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो, जी नहीं। नाउ ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स अनयूजुअल हाई कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली करेक्ट, द पेशेंट हैज इनहेलिंग द पॉल्यूटेड यूजली हाई कंटेंट ऑफ, अच्छा एक और आप देखिए, ये एक्चुअली पॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। इवेन हेमोग्लोबिन का एफिनिटी लव फोर CO2 अबाउट 250 टाइम्स ज्यादा होता है देन O2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड 250 टाइम्स ज्यादा होता है। सो अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारा डिक्रीज कर जाता है। When CO2 concentration in the blood increases, breathing becomes, क्या होगा, shallow and deep, yes, faster होगा और deeper होगा, क्योंकि CO2 को हमको क्या करना है, wash out करना है, ठीक है। इस तरह से आपका respiratory disorders और control of respiration complete हुआ और ये chapter भी complete हुआ।